गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ग्यारहवीं वाले बच्चे, सिद्धि हिंदी विद्यालय के इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अब बच्चों, यहाँ पे हमारा ये जो लेसन है, पहला लेसन नमक का दारोगा, जिसके रचयिता अर्थात लेखक जो है प्रेमचंद, और यहाँ पे उनका जो पाठ का जो साहित्य प्रकार है वो कहानी है। हमारा पाठ तकरीबन खत्म हो चुका है, और ख़त्म होने के साथ साथ हमने कुछ स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर की भी चर्चा की है, जिसमें करीबन हमने तीन प्रश्न देखे। पहला प्रश्न, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? ठीक है, तो जिसमें हमने लिखा वंशीधर, वो ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी के चलते पंडित आलोपी दिन को गिरफ्तार कर लेते हैं, और उनके ईमानदारी के फल से अर्थात उनके इस काम से पंडित आलोपी दिन इतने खुश हो जाते हैं कि उनको अपने स्थायी जायदाद के मैनेजर के रूप में नियुक्त कर लेते हैं। ये हमने देखा। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, तो दूसरे प्रश्न में नमक का दारोगा कहानी में पंडित आलोपी दिन के व्यक्तित्व के दो पहलू कौन से उभर कर सामने आए हैं? तो उसमें पहला पहलू कौन सा है कि उनको लक्ष्मी के ऊपर परम विश्वास था। वो ये समझते थे कि लक्ष्मी सर्वपरि है, यही पे नहीं बल्कि संसार में भी अर्थात यहाँ पे स्वर्ग में भी उसका ही राज चलता है। लक्ष्मी से हम किसी भी ईमानदार इंसान को खरीद सकते हैं, पैसों से हम किसी को भी खरीद सकते हैं, ये हमने देखा। ये उनके स्वभाव का पहला पक्ष है। और दूसरा कौन सा है कि आलोपी दिन की ईमानदारी के चलते यहाँ पे वो इतने प्रभावित हो जाते हैं कि उनको अपनी स्थायी जायदाद के मैनेजर के रूप में नियुक्त कर लेते हैं, ये हमने देखा दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ के उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। तो सबसे पहले उसमें वृद्ध मुंशी, जो समाज में रहने वाले एक ऐसा पात्र है समाज के साथ जुड़ा हुआ, जो अपने खुद के परिवार के सदस्य अपने बेटे को भ्रष्टाचार के मार्ग पे चलने के लिए सिखाते हैं, जिसमें पाठ का वो कहानी का वाक्य लिखना है कि अपने बेटे को जब वंशीधर को बताते हैं ना कि मासिक वेतन जो होता है वो पूर्णमासी की चांद की तरह होता है, जो आता है एक दिन, फिर जब धीरे धीरे फिर लुप्त हो जाता है, घट जाता है, और फिर जो ऊपरी स्रोत होता है अर्थात जो ऊपरी आय होती है वो बहता हुआ स्रोत के समान होता है, उससे हमारी जो प्यास है वो सदैव बुझती रहती है। तो यहाँ पे समाज में रहने वाले व्यक्ति समाज का एक हिस्सा होते हैं, और परिवार के सदस्य तो परिवार के लिए बहुत ही, परिवार के सदस्य एक दूसरे के लिए अहम होते हैं, एक दूसरे के प्रति ही ऐसा व्यवहार रखेंगे तो फिर भ्रष्टाचार जरूर बढ़ेगा। दूसरा जो पात्र है वो वकील का है। वकील जो होता है योग्य अयोग्य नहीं देखता है, नीति अनीति नहीं देखता है, कानूनी गैर कानूनी नहीं देखता है। कहानी में वकील जो होते हैं पंडित आलोपी दिन के पक्ष में हो जाते हैं, पैसों से बिक जाते हैं, और जब मैजिस्ट्रेट ये फैसला सुनाते हैं कि यहाँ पे आलोपी दिन को बरी कर दिया जाता है, तो वो सब खुश हो जाते हैं। जो वकील का पात्र यहाँ पे समाज के साथ वास्तविक रूप से जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा यहाँ पे हमें देख लेना है। और तीसरा जो शहर की भीड़, शहर की भीड़, उसका कोई शक्ल नहीं होती, कोई नाम नक्शा कुछ नहीं होता है। कहानी में बताया गया कि लोग अपने घरों से, छतों से, दीवारों से, खिड़कियों से झांक झांक के देख रहे थे, अर्थात जो लोग पहले आलोपी दिन के वो कोस रहे थे, उनके बारे में बुरा बोल रहे थे, वही लोग आज वंशीधर को कटु वचन बोल रहे हैं। तो शहर की भीड़ भी प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से समाज के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ तक तकरीबन हमने देखा था, जिसकी मैं यहाँ पे रिवीजन में चर्चा कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा रिवाइंड हो जाए। अब हमारा चौथा प्रश्न है, थोड़ी सी देर हो गई तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन धीरे से समझदारी से हम उसको दिमाग में उतारने का प्रयास करेंगे। अब चौथा जो हमारा प्रश्न है, यहाँ पे निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। आपको मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ, आपको अपनी किताब में देखना है, ठीक है? तो उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, नौकरी में ओहदे की और ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आई हो, मासिक वेतन तो पूर्ण मास का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है, ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जो सदैव प्यास बुझती रहती है, वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती है, ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इससे उसमें बरकत आती है, तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। ये वाक्य सबसे पहले कौन बोलता है? मुंशी, वंशीधर के पिताजी, ठीक है? अब उसके नीचे देखो प्रश्न दिए गए हैं, उसमें लिखा है सबसे पहले क, ठीक है, पहला प्रश्न, यह उक्ति, यह किसकी उक्ति है?
अर्थात ये जो हमने मैंने अभी जो पढ़ा ना आपकी किताब में छपा है, ध्यान से देखिए छपा है प्रश्न में, तो ये किसने कहा है, पहला प्रश्न ये है किसने कहा है, तो ये उक्ति वृद्ध मुंशी ने कही है अपने बेटे अपने पुत्र वंशीधर को शिक्षा देते हुए, ऐसा हमें जवाब में लिखना। यह उक्ति वृद्ध मुंशी ने कही है अपने बेटे वंशीधर को शिक्षा देते हुए। ख देखो दूसरा प्रश्न, ये प्रश्न पता है किस प्रकार का है, हम व्याकरण में आप लोग परीक्षा में नहीं लिखते थे कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए, बिल्कुल उसी प्रकार का है। ख देखो, मासिक वेतन को पूर्ण मास का चांद क्यों कहा गया है, तो हमें उसमें क्या लिखना है कि मासिक वेतन को पूर्ण मास का चांद इसके लिए कहा गया है कि पूरा वेतन एक दिन मिलता है और धीरे धीरे कम होने लगता है और चंद्रमा की भांति एक दिन लुप्त हो जाता है। आप बोलोगे कि मैडम ये तनख्वाह का चंद्रमा के साथ क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा जब पूनम का चांद होता है तो वो पूरा होता है, फिर धीरे 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 जैसे अमावस्या आने लगती है वो धीरे 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 पूर्ण मास का जो चांद होता है वो धीरे 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 थोड़ा कम होने लगता है, फिर थोड़ा और ऐसे करते करते वो लुप्त हो जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से तनख्वाह भी ऐसी ही है, जब एक दिन आती है 30 दिन 31 दिन मेहनत करने के बाद एक दिन आती है तो बहुत सारी दिखती है, इतनी नहीं इतनी इतनी, और फिर धीरे धीरे जैसे हम खर्चे करते जाते हैं ज़रूरत की जिम्मेदारी अर्थात सामान लाने की कोशिश करते हैं आवश्यक वस्तु, फिर धीरे 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 वो तनख्वाह जो इतनी दिखाई देती है फिर धीरे 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 इतनी हो जाती है, समझ में आया। तो बिल्कुल उसी प्रकार से इसके लिए उसकी तुलना मासिक वेतन की पगार जो होती है उसकी तुलना चंद्रमा के साथ की है, पूर्ण मास का चांद पूरा होता है अमावस्या आते आते धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से मासिक वेतन भी जब आता है तो बहुत सारा दिखता है और फिर धीरे 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 कम होने लगता है। उसके बाद उसमें तीसरा प्रश्न देखिए कौन सा है, ग है, उसमें क्या लिखा है, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत है, हमसे पूछा है, तार्किक प्रश्न है, हाँ हमें खुद पूछा गया है, यहाँ पे हमें तर्क से जवाब देना है कि क्या आप बताइए कि पिता के वक्तव्य यहाँ पे सहमत है आप, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि भाई किसी और को समझा जाए वैसे देखा जाए तो किसी और को भी ये भ्रष्ट बनने की सीख नहीं देनी है जितना हो सके, भ्रष्टाचार देखो बच्चों सबसे पहले बात ये है कि भ्रष्टाचार हमने ही फैलाया है, हमने ही उसको बढ़ावा दिया है, तब जाकर हम कहते हैं आज यहाँ पे भ्रष्टाचार है वहाँ पे है, किसी भी क्षेत्र को भ्रष्टाचार ने छोड़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन ये भ्रष्टाचार आया कहाँ से, ये पैदा कहाँ से हुआ, तो यह इंसानों ने ही पैदा किया, हमने ही पैदा किया, लेकिन आज जब हम उसको नाबूद करना चाहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाना चाहते हैं तो नहीं बन पा रहा है, क्यों, क्योंकि उसकी जो नींव है वो इतनी समाज के भीतर तक हर एक क्षेत्र में गड़ गई है कि हमें निकालने में मुसीबत हो रही है। आज हमें कोई भी एक छोटा सा मामूली सा पेपर के ऊपर साइन करवानी है तो भी 100 रुपये 50 150 200 500 रुपये की रिश्वत देनी पड़ती है, तब हमारा काम सिक्का लगता है आगे बढ़ता है, हमारा जो पेंशन होता है उसको क्लियर करवाना होता है तो उसके लिए भी भ्रष्टाचार है। इतना ही नहीं, हम चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में भी हमें भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, यह सबसे दुर्भाग्य वाली बात है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है। तो अब यहाँ पे परिवार के अपने खुद के बेटे को ही एक पिता ऐसे भ्रष्ट बनने की सीख दे, ये बात से तो हम बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हैं, समझ में आया, तो जी नहीं, हमें क्या लिखना है, जी नहीं, हम एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत नहीं है, क्योंकि एक पिता को अपने पुत्र को रिश्वत की शिक्षा नहीं देनी चाहिए, कोई अच्छी शिक्षा दो, कोई और बातें बताओ, दुनिया में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, अपने ही बेटे को अपने ही बच्चे को हम भ्रष्ट बनाना सिखाते हैं कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहिए, ये गलत है, हम उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है, ठीक है। अब पांचवा प्रश्न यहाँ पे कौन सा है कि नमक का दारोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। अब सबसे पहले ये प्रश्न समझ लेंगे क्योंकि कभी कभी क्या होता है प्रश्न समझ में आता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है कि जैसे कि प्रेमचंद ने तो यहाँ पे जो पाठ छापा है उसका नाम उन्होंने दे दिया शीर्षक हमें, कौन सा, नमक का दारोगा। अब हमें कहा गया है स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर में हमें पूछा गया है कि प्रेमचंद की जगह आप होते तो आप सोचिए कि आप कौन सा शीर्षक देते, कोई भी दो शीर्षक हमें बताने हैं और क्यों देते वो शीर्षक। तो यहाँ पे देखा जाए तो हम यहाँ पे
पूरे पाठ में हमें ईमानदारी देखने को मिली और ईमानदारी का फल भी देखने को मिला, ठीक है ना, कि अंत में यहाँ पे वंशीधर को नौकरी मिलती है एक मैनेजर की पद के ऊपर, तो यहाँ पे उसका ईमानदारी का फल भी हम रख सकते हैं, या फिर न्याय अन्याय को भी देख यहाँ पे कर सकते हैं, या भ्रष्टाचार भी रख सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं, लेकिन फिर आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि क्यों आपने वो रखा है। तो भ्रष्टाचार इसके लिए रख सकते हैं क्योंकि आलोपित इनको आज तक ऐसा कोई भी ईमानदार इंसान नहीं मिला। उनका ये मानना था पहले से कि लक्ष्मी तो पृथ्वी पे भी नहीं, स्वर्ग में भी उसका राज्य चलता है, तो लक्ष्मी सर्वश्रेष्ठ सत्ता है, ऐसा वो सोचते थे। तो उसके बलबूते पर हम कह सकते हैं यहाँ पे कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार हर एक क्षेत्र में फैला हुआ है, तो हम ये सहमत है। अर्थात यहाँ पे भ्रष्टाचार और न्याय ये भी हम देख सकते हैं, क्योंकि आलोपी दिन ने भ्रष्टाचार के बल पर सब कुछ खरीद लिया, न्याय को भी खरीद लिया, सत्ता को भी खरीद लिया अपने बल पर, लेकिन आखिरकार जीत किसकी होती है, सत्य की। तो सत्य की जीत भी रख सकते हैं हम इस पाठ का शीर्षक, और ईमानदारी का फल भी रख सकते हैं, क्योंकि कहानी में हमने देखा कि ईमानदारी का फल हम इसके लिए रख सकते हैं क्योंकि ईमानदारी का फल सुखद होता है, जो हमें संतुष्ट करता है। यहाँ पे वंशीधर को ईमानदारी के कारण कष्ट उठाना तो पड़ा, लेकिन कहानी के अंत में उनको उनकी ईमानदारी का फल भी प्राप्त हुआ कि आलोपी दिन ने अपने स्थायी मैनेजर के रूप में उनको नियुक्त किया। तो ये बात यहाँ पे आती है भ्रष्टाचार और न्याय की व्यवस्था, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये शीर्षक भी बिल्कुल उचित है, क्योंकि आलोपी दिन ने अब तक अपने लक्ष्मी के दम पर सबको खरीद लिया लेकिन आगे नहीं कर पाए वंशीधर के रूप में, और फिर उनको हार जाना पड़ा। यहाँ पे असत्य पर सत्य की जीत भी हो सकता है, भ्रष्टाचार पर सत्य की जीत भी हो सकता है, समझ में आया। शीर्षक तो कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको सोचना है और डिफाइन करना है फिर उसको कि क्यों आपने वो शीर्षक दिया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम इस पाठ के स्वतः के प्रश्नोत्तर में यहाँ तक रुकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि प्रश्नोत्तर की चर्चा कर रहे हैं आपके दिमाग में जाता होगा, और लिखना मत भूलिएगा, कॉपी में लिखना है। जितने जितने प्रश्नों की चर्चा हो रही है यहाँ पे आपको अपनी कॉपी में लिखते जाना है। आगे के प्रश्नोत्तर की चर्चा हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।